विष्णु चंद्र राव है और मैं 74 ईयर्स का हूँ। संडे को, संडे लास्ट संडे को अचानक सीने में दर्द की शिकायत आई, तो हम लोग एयरपोर्ट हॉस्पिटल में शाम को आए इमरजेंसी में, तो वहाँ पता चला कि हार्ट में प्रॉब्लम है। ये पेशेंट जो 74 ईयर के बाबा थे विष्णु चंद्र राव आए थे, इनको काफ़ी चेस्ट पेन हो रहा था 7-8 घंटे से। मैं डॉक्टर साकेत कुमार सोनी, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एट पल्स हॉस्पिटल रांची, हम लोगों ने इमीडिएटली इनका एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी में बहुत ही कॉम्प्लेक्स रीजन, रेटिका लॉन्ग सेगमेंट, प्रोक्सिमल टू मिड रेटिना, डायफ्रैक्शन इनका रीजन था। काफ़ी हाई रिस्क इनका एंजियोप्लास्टी था। पेशेंट लोगों ने हम लोग के टीम के ऊपर भरोसा दिखाया, हम लोगों ने उस प्रोसीजर को 2 से 2.5 घंटे में कंप्लीट किया। इन रिजल्ट बहुत ही अच्छा था। ऐसे इनका पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स भी काफ़ी चैलेंजिंग था, बट इनका धीरे धीरे 4 से 5 दिनों में हम लोग धीरे धीरे बीपी का जो मेडिसिन होता है उसको धीरे धीरे हम लोग टेपर कर पाए। अभी पेशेंट बिल्कुल ठीक है, कल हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज करने का प्लान कर रहे हैं। हमें आज काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, कल ही से बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए कि यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, विशेष रूप से नर्सिंग बहुत अच्छा है, और जितने भी मैंने बहुत कोऑपरेटिव डॉक्टर्स भी हैं, जो ड्यूटी डॉक्टर थे बहुत मैंने आत्मीयता से बातचीत करते हैं। पता कि घर का इनका मेरा नाम गरिमा उरांगा, ये मेरे फादर हैं विष्णु चंद्र राव। इनको लास्ट संडे हल्का सा चेस्ट पेन हुआ और फिर हम लोग आए और इमरजेंसी डॉक्टर डॉक्टर अविनाश इमरजेंसी में मिले, उन्होंने चेकअप किया, बताया कि कुछ प्रॉब्लम है। एंड मंडे को एंजियोग्राफी के बाद ही डॉक्टर साकेत उनका इलाज कराया, वो काफ़ी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं। एंड यहाँ के स्टाफ, नर्सिंग, आप मैनेजमेंट बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, जितना कुछ होना चाहिए हॉस्पिटल्स में सब बेस्ट है। मैं पहले भी एडमिट हो चुकी हूँ डेंगू के वक्त, मेरी मम्मी का भी ऑपरेशन हुआ है डॉक्टर एस एन के द्वारा, तो उनके मेरे टाइम में तो मैं खुश थी कि हाँ कि ये हॉस्पिटल तो वाकई तो मानना पड़ेगा। मम्मी के वक्त भी मम्मी अधिकतर हॉस्पिटल में कंफर्टेबल नहीं होती है, यहाँ काफ़ी कंफर्टेबल भी। और अभी पापा, तो पापा के साइड से भी सारे नर्सिंग, चाहे वो 10th floor 9th floor कोई भी फ्लोर हो, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, मैनेजमेंट, एवरीथिंग, हर लोग बहुत ही कम्फर्टेबल, तो अच्छा है।